नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत। दिलल्लन टॉप की चुनावी यात्रा में हम सहारनपुर से अपने दर्शकों का स्वागत करते हैं। सहारनपुर एक इंटरेस्टिंग लोकसभा सीट हो गई है। यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। भाजपा ने राघव लखनपाल शर्मा को टिकट दिया है, वो यहाँ से सिटिंग सांसद हैं। इसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है, जहाँ से इमरान मसूद प्रत्याशी हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं सपा, बसपा और रालोद के प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान। हम सहारनपुर के इस चौक पर हैं, जहाँ पे एक चाय की दुकान है। चाय की दुकान पे टीवी चल रहा है, जिस पे आईपीएल का मैच देखा जा रहा है। कुछ लोग चाय पी रहे हैं यहाँ पे, और भाई साहब हैं, कई लोग हैं जो चुनावी तापमान नापना चाह रहे हैं सहारनपुर का। हम इनकी मदद लेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भाई आपका? राजन। राजन जी, राजन जी, आप ये बताइए कि सहारनपुर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो सांसद को हल करना चाहिए लेकिन उसने नहीं किया हो? देखो, यहाँ कभी भी एक तरफा नहीं हुआ। नहीं नहीं, हमको मुद्दा बताइए, सहारनपुर का कौन सा बड़ा मुद्दा है? एक दो तीन मुद्दे बताइए हमको। जैसे किसी शहर में होता है ना, बिजली, पानी, सड़क, नौकरी, खाना पीना सब कुछ होता है। आप बताइए सहारनपुर के मुद्दे क्या है? देखो जी, आज से पहले तो कभी लाइट ऐसी बढ़िया ही नहीं। अच्छा, इस साल ये दो तीन साल निकले हैं, लाइट बहुत बढ़िया आ रही है। लाइट आ रही है सहारनपुर में? लाइट का बहुत बुरा हाल था। अच्छा, हाँ जी। ये बताइएगा हमको कि आपके सांसद जो हैं, जी सांसद हैं, वो सांसद, उन सांसद पर लोग कह रहे हैं कि वो शहर में नहीं दिखते, आज तक कभी शहर में नहीं मिले। हाँ, ये बात सही है। क्या ये ऐसा कहना सही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में कितने काम कराए इस अपने संसदीय क्षेत्र में? देखो, ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, सभी क्षेत्रों में कुछ नहीं करा, जहाँ जहाँ किया है उन्होंने किया भी है। अच्छा, हाँ जी, काम अब भी बढ़िया हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हाँ जी। सहारनपुर में जीत कौन रहा है, कौन लग रहा है सहारनपुर का सांसद कौन बनेगा? यहाँ का चुनाव देखो जी, एक तरफा कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, हाँ जी, हमेशा दो तरफा या तीन तरफा रहता है। फिर भी हवा किधर बहती हुई दिख रही है आपको? देखो जी, इसका जब मैं कह रहा हूँ त्रिकोणीय रहा है, एक दुर्भाग्यपूर्ण ये भी रहा है। आप बताइए क्या नाम है आपका? अशरफ। हाँ, अशरफ। अशरफ, ये बताइए कि सहारनपुर में क्या, किस तरफ हवा बह रही है? सहारनपुर में तो हवा सिर्फ इमरान मसूद के पक्ष में बह रही है। अच्छा, हम देवबंद गए थे, देवबंद में हवा इमरान मसूद के पक्ष में बहती हुई नहीं दिख रही है। वहाँ गठबंधन के प्रत्याशी को हाजी फजलुर रहमान की हवा चल रही है वहाँ पे। वहाँ पे तो जो है ज़्यादातर दलित वोट है, और क्या नाम जो है ऐसा नहीं है कुछ के। जो आप रैली हुई है उसकी वजह से आपको वहाँ गठबंधन की हवा दिख रही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है। सांसद के बारे में बताइए, आपके सांसद कैसे हैं? सांसद ठीक है, लेकिन वो नज़र नहीं आते हैं यहाँ पे, अब दिख रहे हैं वो चुनाव के टाइम में, वरना उनका पता भी नहीं चलता। बल्कि वो कहीं कहीं जलसों में भी वोट मांगने आ नहीं रहे हैं। अच्छा, वोट मांगने, कैंपेनिंग करने भी नहीं? जी जी, दो जल जो है हमारे एरिया में, खान आलमपुर में। लेकिन मोदी जी तो आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए हैं आपके? नहीं, वो तो है, योगी जी भी आए हैं, मोदी जी भी आए हैं, लेकिन अगर यहाँ का त्रिकोणीय रहता है। मोदी जी तो नौनौते में आए, उससे पहले जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो चुंगी से परे आए। आज तक जितने भी सीएम आए यहाँ पे वो सब गांधी पार्क में आए। मोदी जी पहले जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो हसनपुर चुंगी से परे ही रह गए, अब के भी परे ही रह गए उधर। अच्छा, मोदी जी ने एक फैसला लिया था नोटबंदी का, आप इधर आ जाइए। हाँ, मोदी जी ने एक फैसला लिया था नोटबंदी का, वो कैसा फैसला लगता है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, क्या, क्यों बढ़िया फैसला है? देखो जी, आज तक किसी ने ऐसा किया ही नहीं। ब्लैक मनी बाहर आई। ब्लैक मनी कितनी बाहर आई? किसी के पास नहीं आया करती। ये थोड़ी होता कि वो ला के तुम्हें दे दे या मुझे दे दे। देश को कहां से कहां तक ले गए देख लो, इससे बढ़िया तुम्हें एक सेकंड भाई लड़ो, ये नहीं होगा, लड़ना नहीं है। हाँ, इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, देखो जी, जब भी कोई नया मुद्दा आता है उसमें थोड़ी सी परेशानियां तो इकट्ठी होती हैं, लेकिन काम बहुत बढ़िया था। वो बहुत बढ़िया काम था, काला धन वापस आया? बिल्कुल आया जी। बैंकों को मिला काला धन? बिल्कुल मिला है। अच्छा, आप बताइए, ये बताइए कि इमरान मसूद बढ़िया नेता है कि हाजी फजलुर रहमान बढ़िया नेता है कि राघव लखनपाल बढ़िया नेता है? प्रधानमंत्री मोदी बढ़िया है बस, और बाकी तो सब खत्म है।
प्रधानमंत्री कौन बढ़िया है? मोदी बढ़िया। सांसद के बारे में बात कीजिए, प्रधानमंत्री के बारे में बात नहीं हो रही है। सांसद काम ही नहीं किया तो क्या बताएं उनके बारे में। सांसद आपके कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं। जीत कौन रहा है, क्या लग रहा है? अज्जी फजल रहमान। तो मोदी के नाम पे जीतेंगे, मोदी के नाम पे जीतेंगे खाली बस। मोदी के नाम पे जीतेंगे, अगर जीतेंगे रघुपाल, अगर जीतेंगे तो मोदी के नाम पे। अच्छा, खुद के दम पे नहीं जीत पाएंगे? अच्छा, कभी नहीं जीत पाएंगे यहाँ से राघव लखनपाल, इंशाल्लाह यहाँ से हाजी बल्लू रहमान की। ठीक है, नारेबाजी नहीं कीजिए, बात कीजिए, नारेबाजी बात कीजिए, मैं बात करूंगा। ठीक है, आप बताइए कि क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फैयाज नदीम है। अच्छा जी, किधर हो रहा है, किधर झुक रहा है सहारनपुर का पलड़ा? सहारनपुर का जो पलड़ा है वो एक शख्सियत है, क्या नाम, हमारे हाजी जी, उनके हक में ज़्यादा लोग वोट दे रहे हैं, देने के ख्याल रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि एक तो वो आदमी बहुत शानदार हैं, उन्होंने जनाब अस्पताल खुलवाए और उनके यहाँ अस्पताल खुलवा फ्री दवाई करते हैं, हमदर्द आदमी हैं, लिहाजा उनकी तरफ लोग बढ़ रहे हैं। नहीं, लेकिन एक बात बताइए हमको, एक बात बताइए, इसलिए लोग वोट करते हैं कि आदमी बढ़िया है, कि लोग इसलिए वोट करते हैं कि सपा बसपा आरएलडी का गठबंधन है? नहीं, ये भी है इसके अंदर भी, लेकिन ज़रूरी है कि आदमी भी अच्छा होना भी तो बहुत ज़रूरी है। हमने इमरान मसूद को जनाब यारा सन 70 से उसके ख़ानदान को वोट देते आ रहे हैं, आजमा लिया, अब दूसरे को देखेंगे हमारे हक में कौन है या हमारे सहारनपुर के हक में कौन है जो अच्छा काम करें। हमें वो आदमी अच्छा लगता है, हम उसको वोट करें। सांसद जी क्यों नहीं? देखिए, उनका अपने जो प्रॉब्लम है वो सबके सामने है, हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि एक आदमी अच्छा है, हमें बहुत ही अच्छा आदमी लगा, शरीफ आदमी है, वो साहिब हैसियत है, उसके पास पैसा बहुत है, वो किसी किस्म का लालच नहीं करेगा, उसके पास कोई लालच का काम नहीं है, उस लोगों का हक नहीं खाएगा जिस तरह और लोग नूंदा खाते हैं। अच्छा अच्छा, आप बताइए क्या नाम है सर आपका? तंजीम नवाज। तंजीम नवाज जी, आप ये बताइए कि मोदी सरकार ने बहुत सारे फैसले लिए, ठीक है, एक नोटबंदी का फैसला था, ठीक है, एक GST का फैसला था, वोट की राजनीति से, वोट की किसको वोट करें किसको वोट न करें रणनीति से ऊपर उठते हुए हम लोग ये सोचें कि इन फैसलों के बारे में अगर बात करें तो आपको क्या लगता है, इन फैसलों में से कौन सा फैसले आपको मोदी सरकार के बहुत अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे क्या, GST लगी, बड़े लंबे समय लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए, GST के चक्रों में उलझ के रह गए, और क्योंकि सब लोग पहले से तैयार नहीं थे और उन्होंने एकदम थोप दिया, सबके कारोबार खत्म हो गए। ठीक है, छोड़िए, ये बताइए सहारनपुर का सबसे बड़ा मसला बताइए जो आपको लगता है कि आने वाले सांसद को हल करना चाहिए। सहारनपुर स्मार्ट सिटी बनाया गया, लेकिन अगर बाहर का कोई आदमी आता है तो हमारा कोई रिश्तेदार संबंधी कोई आता है तो वो हमें धिक्कार करता है कि ऐसा स्मार्ट सिटी है, ऐसा सहारनपुर है जिसका आज तक विकास ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि इमरान मसूद चेयरमैन बने थे, उन्होंने दुनिया भर का विकास कराया था। जैसे क्या क्या कराया उन्होंने? जहाँ पे कच्ची गलियाँ थी वहाँ खड़ौंजे लगवाए, जहाँ खड़ौंजे थे वहाँ पक्की बनवाई, और लाइट शहर के अंदर पूरी तरह लाइट लगवाना काम उन लोगों ने किया। चीजें हैं तो सब करते हैं। हाँ। असली बुनियादी चीज़ जो है भाई साहब वो है, बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। नोटबंदी से इस कदर कारोबार ठप हुआ है कि आज भी छोटा सा आदमी भी संभल नहीं पाया। आप बताइए तो मुझे कि सहारनपुर के कौन से बड़े मसले हैं जिनको हाजी फजलुर रहमान हल कर सकते हैं? इंशाल्लाह वो करेंगे। कौन से मसले बताइए। मसले तो ऐसे है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे सहारनपुर के अंदर बहुत सारे मसले, गरीबों के साथ लड़ेंगे, वो सब उनके साथ है, सब उनके इमरान मसूद का। ठीक है, आप सुनिए, अब आप बताइए, आपने बोला गरीबों के मसले कौन से? बेरोजगारी है। हाँ। क्या समझे? एक मिनट। हाँ। बेरोजगारी है। हाँ। सबसे बड़ी मार तो यही गरीबों की। और कौन से मसले हैं गरीबों के? हैं? और कौन से मसले हैं गरीबों सारे के? मसले हैं रोजगार के मसले। देखिए एक बात सुनिए, मोदी जी कहते हैं कि गरीबों को हम फ्री में गैस कनेक्शन देंगे, ठीक है, आयुष्मान भारत के साथ कार्ड देंगे, मुद्रा स्कीम दे रहे हैं, बैंक से बिना गारंटी का लोन दे रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा भी मोदी जी ने चलाई है, ठेकेदारी प्रथा जो कि 82-110 हज़ार वहाँ से आ रहे हैं, गरीबों को पता कितने मिल रहे हैं? 4,000 रुपये। अच्छा, हाँ बोलिए, एक सेकंड लड़िए, मैं सुनूंगा, एकदम आपकी बात सुनूंगा, सुनिए पहले। जो आप बोल रहे हैं कि मोदी जी ने नाम, पहले नाम बताइए। मेरा नाम शमशुजम है। एक चीज बताइए मुझे पहले, मेरी बात सुनिए। आपकी बात सुन लें, मोदी जी ने गैस कनेक्शन दिए, वो पैसा कहाँ से आया? वो हमारी जेब से निकला। पहले टैक्स कितना था? पहले कपड़े पे 1 रुपया का टैक्स नहीं था, आज 5% GST देनी पड़ रही है हमें। अच्छा, तो वो पैसा कहाँ से आया? अच्छा, वो पैसा जो आप, है हमारी जेब से निकाल लिया मोदी जी। अब आप सुनिए, मुझे ये बताइए कि सहारनपुर का
कौन सा मसला आपका आने वाला सांसद हल करेगा या उसे हल करना चाहिए, कौन सा सा एक मसला बताइए। हमारे यहाँ से जो है इमरान मसूद साहब 45 साल से राजनीति कर रहे हैं, यहाँ एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। मुझे इमरान मसूद का, इमरान मसूद का इतिहास मत बताइए, मुझे ये बताइए कि आप तो बता रहा जो हमें चाहिए। हाँ, मुझे चाहिए बताइए। हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, हमें हमारे बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, ये हमारे मेन मुद्दे हैं। मेडिकल कॉलेज भी आ गया यहाँ पे, यूनिवर्सिटी वहाँ पे, क्या कहते हैं जनता रोड पे वो जो स्कूल बन रहा है उसके लिए भी वो भी आ चुकी है। सहारनपुर के चारों तरफ हाईवेज भी बन रहे हैं, सब कुछ तो हो रहा है। और बताओ, किस नाम बताइए, अपना नाम बताइए। हार्दिक। हार्दिक, हार्दिक, हार्दिक। क्या करते हैं हार्दिक आप? सर स्टूडेंट हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? सर बीकॉम, फर्स्ट ईयर। बीकॉम कर रहे हैं जी। हार्दिक आप वोट डालते हैं? जी डालते हैं सर। नौकरी कितने, नौकरी की खोज या ऐसी कुछ चीज़ों में आपका ध्यान है, नौकरी खोजते हैं ऐसा कुछ है? नहीं सर, नौकरी तो अगर अगर हम सोचे अगर नौकरी के लिए भी सोचते हैं तो सर आप बाहर जाओ नहीं पर भी अपने शहर में चलो ठीक है। अभी वो उस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आनी है, मेडिकल कॉलेज भी बन चुका है सर, यहाँ पे पीजीआई भी है। नहीं नहीं लड़िए नहीं, बात ये समझ कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए। हाँ सर यहाँ पे क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज भी बन चुका है अपना जनता रोड पे, वहाँ जो यूनिवर्सिटी बनी है उसके लिए भी हो चुकी है सब कुछ। ये चीज ये सुनिए सुनिए, एक मिनट एक मिनट, ये चीज़ें जो हुई हैं, ये चीज़ें जो हुई हैं, ये किसने कहाँ से किसने किया, कौन कर रहा है सर आप बताओ सर? हमारे यहाँ का सर एमपी कौन है सर? वही तो कर रहा है, जो हमारे यहाँ का एमपी है सर वही तो कर रहा है। हम सर एमपी को भी छोड़ दो सर, ये सर ऊपर मोदी सरकार कर रही है और कोई नहीं कर रहा। ठीक है, हमको एक चीज़ बताइए, मोदी सरकार की बात ना करें, हम लोग आपके सांसद के बारे में बात करते हैं। आपके सांसद के बारे में सब लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं दिखते। मैं अभी शब्बीरपुर से होके आ रहा हूँ, दो साल पहले, एक सेकंड, दो सेकंड पहले, दो साल पहले उन्होंने काम भी तो कर रहे हैं ना, आप खाली काम को भाई, भाई, ना दो साल पहले उन्होंने गोद लिया था जी, जी। शब्बीरपुर में भी लोग कहते हैं कि अपने शब्बीरपुर गांव में नहीं दिखे जी। क्या ये कहना लोगों का सही है या गलत है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में ही नहीं आप दिखते? नहीं वो तो चलो, वो तो सर चलो जो वो अपना काम भी तो कर रहे हैं सर, वो अपना बंदा एक बंदा 18 घंटे की ड्यूटी दे रहा है वो भी पागल तो है नहीं, ठीक है ना? कौन देता है सर आज के टाइम में 18 घंटे की ड्यूटी, इतनी कितनी 65 साल एज हो चुकी है उनकी, कौन करता है इतना मेहनत? उनको तो कुछ फायदा नहीं है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड या उनका कुछ बैकग्राउंड कुछ है जो फायदा दे, किसकी ताकत उन्हें देती है? किसके बारे में बता रहे हैं आप? मोदी के? मैं आपके सांसद की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सांसद जी एक सर, हमारे को सर सांसद हर टाइम दिखते हैं सर, हर टाइम दिखते हैं हमारे सांसद। आप कहते हैं जी जी जी, हमारे को हमारे हमारे को हमारी जगह में और जहाँ पे भी डेवलपमेंट तो सर हो रही है ना सर, आप कहीं देख लो सर, हमारे चार सहारनपुर के चारों तरफ से हाईवे बन रहे हैं, चारों तरफ देख लो सर, आप देहरादून देख लो, आप यमुनानगर देख लो, आप शामली देख लो, सारी मंजूरी पहले से हुई हुई दूसरी। एक सेकंड, मोदी 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 जी के, मोदी जी के तीन बड़े फैसले बताइए, तीन बड़े फैसले, एक सेकंड भाई भाई, मोदी जी एकदम एकदम, आप बताइए, आप बताइए। मैं दिल्ली से आया हूँ। आप दिल्ली से आए हैं? दिल्ली से हम लोग भी आए, आप ये बताइए। दिल्ली से मैं 2 महीने यहाँ प्लॉट लिया हूँ सर, सुपर बिहार में, यहाँ सर मेरा आधार कार्ड नहीं बन रहा 2 महीने से। मैं दिल्ली नांगलोई साइड से आया हूँ, जहाँ आम आदमी पार्टी का है वहाँ से आया हूँ मैं, यहाँ मेरा आधार कार्ड नहीं बन रहा सर 2 महीने से, मैं घूम रहा हूँ यहाँ प्लॉट देखा कोई मेरा काम। कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ काम धाम यहाँ होना चाहिए बस, कम मेरा रोजगार नहीं, मैं रिक्शा चला के मैं क्या अपने बच्चों का पेट पाल पाऊंगा बताओ? मैं दिल्ली शहर छोड़ के आया हूँ मैं सहारनपुर, यहाँ काम धाम नहीं, मैं क्या करूँगा ये बताओ? मैं तो मकान भी वहाँ बेच के यहाँ आ गया हूँ बताओ मैं क्या? हाँ आप बताइए, आप ये शिकायत कर रहे हैं कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ? आप दूसरी बार कैमरे पे आ रहे हैं लेकिन आप शिकायत कर रहे हैं मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप बताइए आपको क्या कहना है? अगर सांसद के बारे में पूछना तो चलो मुस्लिम क्षेत्रों में तो उन्हें शक्ल दिखानी दिखानी नहीं, अगर पूछना तो नंदपुरी क्षेत्र में जाइए, सम्राट विक्रम कॉलोनी में जाइए, उन क्षेत्रों में जाके देखिए जिस जहां सांसद ने जाकर भी नहीं झांका और विकास के नाम पे उनके इतने इतने गड्ढे हैं आज भी, आज स्मार्ट सिटी बन गया इतने इतने गड्ढे हैं। अब ठीक है, आपसे बात हो गई मेरी, अब आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित है। मोहित, क्या लग रहा है सहारनपुर का क्या मसला है जो आगामी सांसद को हल करना चाहिए? सहारनपुर का मसला ये है कि इस बार जो वोटिंग है वो बीजेपी की है, जो सांसद निकलेगा बीजेपी का निकलेगा, जो सरकार बनेगी प्रधानमंत्री जो बनेंगे बीजेपी के बनेंगे। लेकिन ये लेकिन ये मुद्दे की बात कर रहे हैं हम, एक सेकंड भाई भाई, आपसे बात हुई ना, सहारनपुर का कौन सा ऐसा मुद्दा है? मैं नहीं नहीं सहारनपुर का कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आगामी सांसद को हल करना चाहिए, आपको क्या लगता है कौन सा एक मुद्दा लगता है? मुद्दा ये है कि सहारनपुर में कोई कॉलेज बनना चाहिए, सहारनपुर में अच्छा हॉस्पिटल बनना चाहिए, जब भी सहारनपुर में किसी को गोली लगे कुछ बात हुए तो उसको रेफर कर दिया जाता है बाहर के लिए। अच्छा,
तो सहारनपुर में कोई अच्छा हॉस्पिटल बनना चाहिए कि जिस बंदे कोई इलाज है वो सहारनपुर में होना चाहिए। कानून व्यवस्था क्या हाल है सहारनपुर में? कानून व्यवस्था क्या है? क्या नाम है आपका? नाम क्या? सागर है। सागर होता है सहारनपुर में। सहारनपुर में कानून व्यवस्था क्या? कानून व्यवस्था बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। में काम हो तो आप 2000 मांग रहे हैं थाने में बैठे। ऐसा हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सही बात कही, बहुत सही बात कही, पर ये है अच्छी बात वो सुनते नहीं है। कौन जो ऑफिसर होते हैं वो सुनते नहीं है बिल्कुल भी, किसी बात भी खुली गुंडागर्दी हो रही है भैया, खुली किसी की बात नहीं सुनते, ऊपर से बदतमीज करते हैं। कोई 10000 मांगता है, कोई 5000 मांगता है। एक सेकंड बात आपसे सुनेंगे। थोड़ी सी बदतमीजी करते हैं पुलिस वाले। हाँ, ये बात नहीं सुनते। अच्छा, ये बात सही है। ये झूठ भी जाए ना सर, मेरी लड़ाई हुई भाई से मेरे, इसने जा दिया जब मेरी बहन को छेड़ा, उसे तरबाई नहीं होगी, उन हाथों ने इसी बहन को छेड़ा है, चाहे मेरे सर फाड़ दे आपसे सुंदर में। अच्छा, उसे तरबाई नहीं करेंगे, उसे मार नहीं है, तुम कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस। आपका क्या कहना है इससे? पुलिस कानून पुलिस कार्रवाई करती है लेकिन हिम्मत ले गया, बात बोलने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। आप पैसे भी लेती है। देखो सहारनपुर की पुलिस बहुत अच्छी है, बढ़िया काम करती है। बात इतनी है कि कुछ बंदे छपे हुए हैं ऐसी नजरों में। इस बार मुझे देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा कोई काम धंधा नहीं है किसी लड़ाई झगड़े को लेके। आपको देखकर मैं रुक गया, मेरा नाम गुंडागर्दी में लिखवा दिया गया। अच्छा, क्यों, किस मामले में? पता नहीं किस मामले में, 107 116 151 में 116। मेरा नाम भैया आज तक नहीं आया, मैं कुमार टेलर पे जॉब करता हूँ। अच्छा, मेरा नाम आज तक कोई मुतदमा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा 716 में नाम रखा है मेरा। हम बिजनेसमैन लोग हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं किसी से। नाम लिखा है पुलिस चार्ज, पुलिस चार्ज में। क्यों भैया? कोर्ट जा रहा हूँ, कोर्ट जा रहा हूँ साइन करने। अच्छा, सामने शॉप है मेरी, वो भी हो। अच्छा, वो स्टोर है, वो मेरा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप बताइए सर, क्या नाम है पड़ेगा आपका? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम जी, सांसद कैसे हैं आपके? राघव जी, हाँ, हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, हमारा कोई काम नहीं पड़ा है अभी उनसे किसी तरह का भी। मुलाकात कभी हुई है, कभी संसदीय क्षेत्र में दिखे अपने? नहीं, हमारे क्षेत्र में नहीं है वो अभी तक। ये लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अपने सांसद हैं राघव लखनपाल, ये अपने संसदीय क्षेत्र में ही नहीं दिखते हैं। हमारे क्षेत्र में आज तक नहीं आए वो। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? मोदी जी ठीक है, विकास करेंगे तो ठीक है, पब्लिक का अगर ये पब्लिक के बारे में कुछ सोचे अच्छी बात है। 5 साल में क्या विकास दिख रहा है आपको? 5 साल में तो मजदूर तबका जो है वो तो बहुत परेशान है, अमीर लोग जो हैं वो अपना अमीर से घर में बैठे हैं, उन्हें जरूरत नहीं, उन पर नोट बहुत है, लेकिन जो आवाम है निची तबके की वो बहुत परेशान है। सहारनपुर को एक हॉस्पिटल चाहिए, सहारनपुर को एक स्कूल चाहिए, सहारनपुर को एक उम्दा कानून व्यवस्था चाहिए, ये सारे लोग कहते हैं, सहारनपुर के वोटर कहते हैं। कुछ कहते हैं कि बीजेपी ये दे सकती है, कुछ कहते हैं कि इमरान मसूद ये दे सकते हैं, कुछ कहते हैं कि हाजी फजलुर रहमान ये दे सकते हैं। 11 तारीख को, 11 अप्रैल को सहारनपुर में वोटिंग होनी है, शायद इस वोटिंग के बाद सहारनपुर के कुछ सपने पूरे हो सकेंगे। शुक्रिया।